हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ होली पिचकारी टॉय गन। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक बढ़िया वाली होली की पिचकारी लाने के लिए, तो दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ होली पिचकारी टॉय गन। आप देख सकते हो, इसे मैंने मंगाया है अमेजोन से। इतनी बड़ी वाली होली पिचकारी मंगाई है गाइस, आप इसे देखकर हैरानी रह जाओगे। तो चलो दोस्तों, फटाफट से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो भाई, इसका बॉक्स देख सकते हो, इतना बड़ा बॉक्स है इसका। बबल रैप भी लगाया है इन लोगों ने, ताकि ये डैमेज वगैरह ना हो पाए। तो गाइस, वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना, मैं इसका प्राइस भी आपको बताऊंगा मुझे कितने में मिली है। ओ भाई, कितनी ज़्यादा बड़ी है यार, देख सकते हो गाइस। पहले बॉक्स को साइड में रख लेते हैं अपन, इसके ऊपर भी प्लास्टिक कवर है, इसे भी हटा लेते हैं जल्दी से। भाई काफ़ी वजन है यार ये चीज़। इसके अंदर कुछ पेपर्स है, पता नहीं यहाँ पे लिखा है वाटर गन बोलकर, और एक स्ट्रैप भी मिलता है हमें, तो स्ट्रैप भी लगाएंगे थोड़ी देर में इस गन को। तो पहले मैं आपको एक गन की क्वालिटी दिखा देता हूँ गाइस। ओह माय गॉड, दोस्तों देख सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी होली पिचकारी है ये। वाओ यार, इसका लुक तो देखो, एकदम फ्यूचरिस्टिक टॉय गन जैसे दिख रहा है। भाई क्वालिटी तो मुझे इसकी ठीक ठाक सी ही लगी, प्लास्टिक बढ़िया है इसका, और यहाँ पे इसका हैंडल इस तरह से इसे पकड़ने के लिए। वाओ, तो शायद इसका टैंक यहाँ पे होगा, इसका टैंक खोलते हैं, इस तरह से खोलना होता है। ओ भाई, इतना बड़ा टैंक है इसका, आप देख सकते हो गाइस। मेरे को लगता है ये 2 या 3 लीटर्स का होगा यार, इसके ऊपर कहीं पे भी लिखा नहीं है कितने लीटर का टैंक है। मेरे ख्याल से 2 लीटर का तो होना चाहिए इसका टैंक। और यहाँ पे है इसका पाइप, यहाँ से वाटर को अंदर लेता है और यहाँ पे टैंक फिट होता है। तो चलो वापस से टैंक को फिट कर देते हैं यहीं पर। अभी इसका स्ट्रैप लगाएंगे, उसके बाद बाहर जाकर इसके अंदर कलर डालकर टेस्ट भी करेंगे गाइस। देखते हैं इसकी पिचकारी कितनी दूर तक जा पाती है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखते रहना गाइस। अभी ये स्ट्रैप लगाने के बाद मैं आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ। ये खुल गया इसका स्ट्रैप, चाहे तो इसके स्ट्रैप को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं गाइस हम लोग यहाँ से। तो इसके स्ट्रैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी इसके स्ट्रैप को यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगाना है इस होल के अंदर, यहाँ पे है इसका हुक, शायद इसे इस तरह से लगाते होंगे। हाँ अभी दोस्तों देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पे बैठेगा, और यहाँ पे एक और हुक है, इसे ये वाले होल में लगाना होता है। ये लगा दिया मैंने, तो देख सकते हो दोस्तों इसका स्ट्रैप भी हमने लगा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है इसका नोजल, यहाँ से ही वाटर बाहर आता है। ये कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ स्टाइल के लिए दिया गया है, कुछ काम में नहीं आता है। तो इसे चलाना किस तरह से ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ पे है इसका पंप, तो यहाँ से हमें इसके अंदर इस तरह से हवा भरनी होती है, सारी हवा आकर यहाँ पर स्टोर होती है। उसके बाद में हम जैसे ही इसका ट्रिगर दबाते हैं गाइस, यहाँ से वाटर बाहर आता है। यहाँ पे देख सकते हो बीच में एक होल है, यहाँ पे मैं आपको सही से नहीं बता पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये पिचकारी जो है ना गाइस, इतनी ज़्यादा बड़ी है यार। यहाँ पे होल है, तो इसके अंदर से सारा का सारा पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त लगी मुझे तो ये। तो चलो दोस्तों, अभी इसका प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैंने ख़रीदा था अमेजोन से 14 फरवरी को, जैसे कि आप देख सकते हो। ये रहा इसका प्राइस, 1049 रुपीज़, काफ़ी ज़्यादा प्राइजी है यार।
मेरे को ऐसा लगता है गाइस, अगर आप ये पिचकारी बाहर ऑफलाइन से खरीदते हो तो मेरे ख्याल से गाइस ये सिर्फ 500 या 600 रुपए में मिल जाएगी। अगर आपको बाहर स्टोर में नहीं मिल रही तो गाइस आप जाकर ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो। इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर इसे टेस्ट करने के लिए, लेट्स गो। गाइस यहाँ पे मैं पहले गुलाल कलर बना लेता हूँ। दोस्तों अभी हम यहां से उस चेयर पर निशाना लगाने वाले हैं। काफ़ी दूर है, आप देख सकते हो वो चेयर कितनी ज़्यादा दूर है, मेरे ख्याल से 20 से 25 फुट दूर होगी। तो हमारी गन को लोड करते हैं। ओ भाई उतनी दूर तक तो नहीं जा पा रहा है, और थोड़ी इसके अंदर एयर डालते हैं। अब भी देखना गाइस, शेर पर निशाना है सीधा सीधा मेरा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ना होली की पिचकारी किस तरह से काम कर रही थी। यार मुझे तो ये पिचकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और इसमें से जो वाटर निकल रहा था ना गाइस काफ़ी ज़्यादा दूर तक भी जा रहा था, और इसमें जो ये सिस्टम दिया गया है ना यार मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो आप लोग सुन रहे हो गाइस, यहाँ से एयर बाहर आती है तो इसके साथ ही वाटर भी बाहर आना स्टार्ट होता है।
तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वाटर बाहर आता है। और गाइस ये जो वाटर है अपनी स्किन पर डायरेक्ट लगने पर चोट भी लग सकती है, इतना ज़्यादा प्रेशर है यार इस टॉय गन के अंदर। तो गाइस आपको ये पिचकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुझे तो ये पिचकारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर गाइस ऑफलाइन में चेक कर लेना, आप ऑफलाइन में कम मिल रही तो वहीं से खरीद लेना शॉप में जाकर। अगर नहीं मिल रही तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने अमेजोन का, वहां से जाकर आप इस होली पिचकारी को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शॉर्ट आउट। दोस्तों कल मैंने ये ATM पिगी बैंक की वीडियो डाली थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देखना यार, बड़ा ही कमाल का ATM पिगी बैंक है ये। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है हारिस, करीम, नाजिम, स्वरोज, ऋषि तोमर, सगनप्रीत कौर, प्रियंका शर्मा, अक्षय जैन, सुमब्रता घोष, नवीन मित्तल, अदिति, राजवीर सिंह, अद्यंत वर्मा, वरुण, सक्षम गुप्ता, आलोक घोष। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 15 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।